friends, in this video we will learn addition of weights. अब हम वेट को कैसे ऐड करेंगे वो करना सीखेंगे इन एक्सरसाइज नंबर 49. ठीक है. फर्स्ट क्या है क्वेश्चन, अरेंज इन कॉलम्स एंड ऐड. हमको जो मेजरमेंट दिए हुए हैं यूनिट्स है ना, उसको हमको क्या करना है, कॉलम वाइज क्या करना है, अरेंज करना है, देन वी विल ऐड. उसके बाद हम उसको ऐड करेंगे या प्लस करेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दिया है, 76 केजी एंड 706 ग्राम. ठीक है. देन 109 केजी 89 ग्राम और 7 केजी एंड 7 ग्राम. मीन्स हमको यहाँ पर वेट की कितनी यूनिट्स को यहाँ पर प्लस करना है, 3 यूनिट्स को. यहाँ पर वेट का 3 मेजरमेंट दिया गया है. ठीक है. उसको हमको क्या करना है, प्लस करना है. देखो बेटा, हियर आई हैव टेकन 2 क्वेश्चंस फ्रॉम योर मैथ्स बुक, क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 19. मैंने 2 क्वेश्चन आपको समझाने के लिए दिया. ठीक है. रिमेनिंग क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 20 यू विल डू योर सेल्फ. आप जब इसको समझ जाएंगे उसके बाद आप खुद से ट्राई करेंगे, अपने मैथ्स कॉपी में आप उसको ट्राई करने की कोशिश करेंगे. ओके. देखो यहाँ पर प्लस करना है. यहाँ पर हमारा मेजरमेंट दिया क्या, 3 मेजरमेंट दिया. पहले आप लाइन खींच लो, 76 केजी एंड 706 ग्राम. देन सेकंड 109 केजी 89 ग्राम. ठीक है. देन थर्ड आपका मेजरमेंट क्या है, 7 केजी एंड 7 ग्राम. आपको तीनों वेट के मेजरमेंट को क्या करना है, प्लस करना है. तो बेटा यहाँ पे हेडिंग क्या आ रहा है, केजी एंड ग्राम. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेडिंग को लिख लेंगे. हमारा क्या, कौन से यूनिट का हेडिंग है, केजी एंड जी. जी मीन्स ग्राम. ठीक है. हम बार बार नहीं लिखेंगे. ठीक है. उसका हेडिंग दे देते हैं. अब क्या है देखो, इसको पूरा वैसे ही लिखना है, 76 केजी एंड 706 ग्राम. क्योंकि ये केजी है तो आपको केजी में लिखना है, ग्राम को ग्राम के कॉलम में लिखना है, लेकिन लिखना है आपको सिक्वेंस में. ठीक है. देन 109, अब ये हमने लिख लिया. अब सेकंड वाला लिखो 109. देखो यहाँ पर 100 प्लेस है, यहाँ पर सिर्फ वंस और टेंस प्लेस. और यहाँ पर क्या आ गया, दूसरा वाला मेजरमेंट किसमें है, कितने में, 100 के प्लेस में. तो आप उसको लिखोगे कैसे, 901. ठीक है. पहला वाला जो मेजरमेंट में आपका क्या, 100 का प्लेस में कोई नंबर नहीं है. ठीक है. 109 देन 89 ग्राम, 9 और ये 8. यहाँ पर आपका 100 प्लेस में कोई भी नंबर नहीं है. सेकंड वाले मेजरमेंट में आपको प्लेस का ध्यान रखना है. ठीक है. देन थर्ड वाला आपका मेजरमेंट क्या है, 7 केजी एंड 7 ग्राम. केजी में कितना है, 7. तो आपका सिंगल डिजिट कहां से आएगा, का किस में आएगा, वंस की प्लेस में आएगा. आप कभी भी नंबर को लिखेंगे सबसे पहले वंस की प्लेस में लिखते हैं, देन टेंस, देन 100. हमेशा आपका जो नंबर है बेटा वो राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है, ऐसा कभी भी नहीं जाता, हमेशा राइट टू रेड लेफ्ट जाता है. ठीक है. इसको याद रखना है. देन 7 भी आपका कहां आया था, पहले वंस की प्लेस में आएगा. ठीक है. अब आप क्या करोगे, इसको प्लस करोगे. प्लस करिए और यहां पर प्लस का साइन पुट कर दो. हो गया. आपने इसको जितने भी मेजरमेंट थे उसको कॉलम में अरेंज कर दिया. देन वी विल स्टार्ट टू ऐड. 6 प्लस 9 कितना होता है, 15. 15 प्लस 7 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. तो हम 22 का 2 लिखे, कैरी फॉरवर्ड कर दिया नेक्स्ट कॉलम में 22. ठीक. एंड 2 प्लस 0 इज 2 प्लस 8 10. 10 का हम 0 लिखे और 1 को कैरी फॉरवर्ड कर दिया यहाँ पर. ठीक है. 1 प्लस 7 इज 8. देखो यहाँ पर कुछ नहीं है. अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन होता है तो आप यहाँ पर 0 पुट करके इक्वल कर सकते हैं, ताकि आपको नंबर इधर उधर मूव ना हो. अगर आपको यहाँ पर खाली खाली लगता है, आप यहाँ पर कोई नंबर नहीं, तो आप उसकी जगह 0 लिख दीजिए, ताकि आपको एक लाइन में सिक्वेंस में आपको नजर विजिबल हो. ठीक है.
अब यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे कोई कैरी आया क्या? नहीं आया, तो यहाँ पे कोई कैरी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका नंबर सिंगल डिजिट में आया है। ओके देन वी विल स्टार्ट केजी कॉलम। 6 प्लस 9 कितना हुआ? 15 प्लस 7 22 का 2 लिखे, 2 कैरी फॉरवर्ड कर दिए यहाँ ऊपर नेक्स्ट कॉलम में। 2 प्लस 7 इज 9 क्योंकि नीचे सब 0 है, तो 2 प्लस 7 इज 9। यहाँ पर कोई भी आपका कैरी नहीं आया, 0 प्लस 1 और यहाँ पे सिर्फ 1 है तो आप यहाँ 1 कर दो, ठीक है। सो आवर आंसर इज कितना आया आंसर? 192 केजी एंड 802 ग्राम, ठीक है। आप आंसर लिख दीजिए 192 केजी 802 ग्राम, क्लियर। देन हियर वी विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? 188 केजी 985 ग्राम, पहला वाला मेजरमेंट आपको पूरा कंप्लीट दिया है केजी और ग्राम में। देन सेकंड 15 केजी एंड 85 ग्राम, ठीक है। देन थर्ड आपका मेजरमेंट क्या है? 6 केजी एंड 960 ग्राम। तो आप फटाफट इसको क्या करो, पहले इसके यूनिट्स लिख दो सेपरेट करके, एक बार हेडिंग डाल दो 108 देन 985 ग्राम, ठीक है। देन 15 केजी एंड 85 ग्राम, 15 कहाँ लिखोगे? 15 खाली टू डिजिट में, तो यहां से लिखेंगे 15 देन 85। नंबर को हमेशा बेटा एक के एक नीचे लिखना है, तब आपको प्लस या माइनस जो भी करना है आपको इजी होगा। आप नंबर को आगे पीछे लिखते हो तो आपका इसलिए आंसर थोड़ा सा आपको आंसर निकालने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। 6 केजी एंड 960 ग्राम, 6 केजी का आएगा 6 देन 960 6 और ये 9। ठीक है, देखो अगर आपको यहां लग रहा है प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा सा नंबर दर, आप क्या कर सकते हैं, यहां पर 100 प्लेस नहीं तो आप 100 प्लेस की जगह 0 पुट कर सकते हैं ताकि आपको एक सीक्वेंस में नंबर दिखे। यहाँ पे देखो 100 के प्लेस में कोई टेंस के प्लेस में कुछ नहीं, आप 0 पुट कर सकते हैं। यहाँ 100 के प्लेस में कुछ नहीं, आप यहाँ पर 0 पुट करके इक्वल बना दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप प्लस का साइन करें क्योंकि वी विल डू एड। नाउ वी विल स्टार्ट अवर एडिशन। 5 प्लस 5 इज 10 क्योंकि 10 प्लस 0 इज 10। 1 कैरी फॉरवर्ड करो। 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 8 कितना हुआ? 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 6 18, 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है 23 3 लिखे और 2 कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। ओके अब यहाँ पे देखो 9 प्लस 9 कितना होता है, ये देखो यहाँ से भी कर सकते हैं 9 प्लस 9 18 या 9 2 18, 18 प्लस 2 20, 20 का आएगा 0 और यहाँ पर 2 कैरी फॉरवर्ड कर दो। 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 6 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 का 2 1 लिखे और 2 कैरी फॉरवर्ड कर दो। 2 प्लस 1 3 यहाँ पर क्या है 1 2 1, ठीक है। 2 प्लस 3 कितना हुआ? 2 प्लस 0 2 प्लस 1 3 यहाँ तो 0 है, ठीक है। 2 प्लस 3 कितना, 2 प्लस 1 कितना हुआ 3 और यहाँ पर कोई भी आपका कैरी नहीं आया, ये 1 है तो 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 आप लिख दिए। तो अवर आंसर इज 131 केजी एंड 30 ग्राम, आगे 0 तो हम इसको कैसे रीड करेंगे? 30 ग्राम। अब हम आंसर लिख दो वर्ड्स में। 131 केजी एंड 30 ग्राम, 0 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 कुछ है ही नहीं, तो 30 ग्राम, ठीक है। तो जो मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 18 एंड 20 बेटा, यू विल ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ। ओके नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज नंबर 50। ओके देखो एक्सरसाइज नंबर 50 में क्वेश्चन क्या दिया आपका, अरेंज इन कॉलम्स एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन। हमको जो भी क्वेश्चन दिए हैं उसको कॉलम वाइज हमको अरेंज करना है और डिफरेंस फाइंड करना, डिफरेंस में सब्ट्रैक्ट करना है आपको। ओके चलो फर्स्ट
क्वेश्चन मैंने क्या यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म कौन सा दिया है, एक्सरसाइज नंबर 50 से 17 एंड 19. मैं 17 और 19 आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, 18 और 20 इट इज योर होमवर्क. क्लियर? देखो 17 में क्या है, 58 kg 348 ग्राम एंड 9 kg 375 ग्राम. आपको इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. तो आपके दो मेजरमेंट दिए गए हैं वेट के, पहले हम इसको कॉलम वाइज क्या करते हैं, अरेंज करते हैं. केजी एंड ग्राम, देखो यहाँ पे केजी और ग्राम दिया है, यहाँ पे केजी और ग्राम दिया है. ठीक है? अच्छा बेटा, सब्ट्रैक्ट में मैंने बार बार बोला है, सब्ट्रैक्ट क्या होता है, बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करना होता है. ठीक है? तो आपको पहले मेजरमेंट को लिखने से पहले आपको पहले देखना है कौन सा मेजरमेंट बड़ा है. ठीक है? आप देखो पूरे का पूरा, ये पूरा हमारा एक मेजरमेंट है केजी और ग्राम, और ये केजी ग्राम. तो आगे का हमको देखना है, जैसे मैंने ट्रेन वाली बात हमेशा बताई थी, तो आगे के बस नंबर को देखना है. यहाँ 58 केजी और यहाँ 9 केजी है, तो कौन सा केजी बड़ा है, 58 केजी. ठीक है? तो आप इसको पहले लिखोगे, ये लाइन को पहले लिखोगे. चलिए लिखते हैं, 58 देन 348. ओके? देन माइनस करना हमको तो 9 केजी, तो 9 केजी, 9 क्या है, सिंगल डिजिट है, तो आप वंस के नीचे लिखो और 375 ग्राम. ठीक है? अब आप इसको माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करने तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे. ठीक है? अब चलिए आप स्टार्ट करते हैं ग्राम के कॉलम से, और ग्राम के कॉलम में से सबसे पहले क्या, किससे स्टार्ट करेंगे, वंस के प्लेस से. 8 माइनस 5, 8 में 5 माइनस किए कितना आया, 8 फिंगर दिखा सकते हैं आप लोग, उसमें से 5 माइनस करो कितना आएगा, 3. ओके? देन 4, यहाँ पे देखो हम बोरो क्यों नहीं किए, क्योंकि 8 क्या है, बड़ा है और बड़ा नंबर है, और 5 क्या है, छोटा. तो हमेशा हम सब्ट्रैक्ट बड़े नंबर से छोटा करते हैं. अब यहाँ देखो 4 छोटा है और 7 क्या है, बिगर नंबर है, तो 4 से 7 नहीं हो पाएगा, तो 4 को बोरो करके हम क्या बनाए, 14 बना, और 3 क्या बन गया, उसको दिया 1 तो 2 बन गया. ठीक है? ये आपको प्रोसेस मालूम है. देन 14 फिगर नहीं निकाल सकते, तो 7 के बाद से काउंट करिए और 14 पे ब्रेक लगाइए. आफ्टर 7 8 9 10 11 12 13 14 माइनस 7 इज 7. अब 2 से 3 नहीं जाएगा, अगेन 2 क्या है, स्मॉल है, तो 2 किससे बोरो करेगा, जो केजी की कॉलम में जो 8 है उससे बोरो करेगा. ठीक है? यहां से भी हम बोरो कर सकते हैं. ये इसको 1 दिया तो 7 हो गया, और 2 क्या बन गया, 2 बिकम 12. फिर 3 के बाद से काउंट करिए, 12 पे आप रुक जाइए. आफ्टर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितना आया, 9 फिंगर, मींस 9 नंबर. 12 माइनस 3 इज 9. ओके? देन 7 इज स्मॉलर देन 9, अगेन सेम प्रॉब्लम. तो ये क्या करेगा, 7 बिकम 17 एंड 5 बिकम 4. ठीक है? 9 के बाद से काउंट करिए, 17. आफ्टर 9 10 11 12 13 14 15 16 17. सो 17 माइनस 8 9 इज 8. ओके? देन 4 के नीचे कुछ नहीं है, तो 4 माइनस 0 मींस 4 क्या है, हमको वैसे उतारना है. ओके? सो आवर आंसर इज 48 केजी एंड 973 ग्राम. राइट हियर आंसर, 48 केजी 973 ग्राम. ओके? नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 19. देखो यहाँ पर मेजरमेंट क्या दिया है, 10 केजी एंड 5 ग्राम, 8 केजी एंड 28 ग्राम. ठीक है? अब सबसे पहले तो केजी और ग्राम का हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, ग्राम. अब देखो हमको आगे हम देखना है 10 और 8 में विच इज द ग्रेटर नंबर, 10 और 8, यस 10 इज ग्रेटर, जैसे यहाँ पर हमने किया था. 58 और 9 में सबसे बड़ा क्या है, 58, तो वो वाली पूरी लाइन आई. ठीक है? 10, तो आप इसको पर लिखो ये लाइन को, 10 केजी देन 5 ग्राम, देन 8 केजी 28 ग्राम, 8 सिंगल नंबर है, यहाँ आएगा 8, देन ये क्या 28, तो इसको थोड़ा सा आगे ले देती हूँ,
अभी क्या 28 है, तो आप 8 यहाँ लिखोगे और 2 को आगे लाओ, क्योंकि यहाँ पर 1 और 10 का दो प्लेस है, दो प्लेस पे आपके नंबर है। ठीक है, नाउ यू विल पुट माइनस साइन। आप देखो यहां पर नहीं है क्योंकि 5 से सिंगल डिजिट में, तो आप यहां पर क्या पुट करोगे, 0। ठीक है, टेंस की प्लेस में नहीं था, आप वहां पर 0 पुट करोगे। ओके, देन यू विल स्टार्ट सबट्रैक्ट 5 माइनस 8। इट इज पॉसिबल? नो, बिकॉज 5 इज स्मॉलर देन 8। तो 5 क्या करेगा, 5 इससे बड़ो करा, ये 0 है, दे सकता है क्या 1? नो, ये 0 इसके पास गया, ये भी खुद क्या 0, तो ये 0 अब इसके पास गया, ये हुआ 0, 1 था, 1 ने 0 की हेल्प की, तो 0 बिकम 10। क्लियर? अब 10 0 क्या हो गया, 10 बन गया, अब इसकी हेल्प कर सकता है। ठीक है, 10 क्या हुआ 9, और 10 ये 0 हो गया 10, सिर्फ आगे 1 पुट करना है आपको। अब ये 10 बन किसकी हेल्प कर देगा, यस ये खुद 9 बन गया, और ये क्या हो गया 50। ठीक, देन फिर अब 5 तो हम काट दिए, 50 माइनस 8, 8 के बाद से काउंट करो, आफ्टर 8 9 10 11 12 13 14 15 7। देन 9 माइनस 2 इज 9 इज 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 7। क्लियर? ओके, देन ये 9 है ना, 9 माइनस 8 इज 1, एंड 0 के नीचे ये तो 0 है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आएगा ही नहीं, ये जीरो भी रखोगे तब भी 1 होगा। सो योर आंसर इज 1 kg 77 ग्राम। ओके, राइट योर आंसर हियर, 1 kg 77 ग्राम। ओके, आपको सबट्रैक्ट करना आ गया और वेट कर एडिशन भी करना आ गया आपको। ठीक है, सो एक्सरसाइज नंबर 49 में, जो कि आपका क्या है, एडिशन है, एडिशन का भी 18 एंड 20 आपका क्या है, होमवर्क है, और सबट्रैक्शन का भी 18 एंड 20 आपका होमवर्क है, एडिशन और सबट्रैक्शन दोनों में 18 एंड 20 इट इज योर होमवर्क। ओके, बाय बाय।